नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। तो ध्यान से पढ़ना भाई, है? हाँ, मन लगा के पढ़ना। तो मित्रों, मैं हूं अशोक और आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। मित्रों, आप निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कई तरह के सवाल जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम आज इस टॉपिक से संबंधित कौन-कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो उपभोक्ता, मित्रों उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं का उपभोग करता है, उन्हें काम में लेता है। लेकिन जब हम इसे एक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है जी, तो उपभोक्ता संरक्षण को हम तीन बिंदुओं में बांटते हैं। ये देखिए, आपके सामने इस चार्ट में नज़र आ रहा है। तो उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? एक यह बिंदु है, दूसरा है कि उपभोक्ता संरक्षण की क्या परिभाषा है और यह कैसे प्रदान किया जाता है हमारे संविधान के द्वारा। तो मित्रों, पहला टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें आप देख सकते हैं चार्ट में कि इसमें कई बिंदु हैं। एक शारीरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मान लीजिए कि आप कोई हेल्थ से संबंधित कोई वस्तु जैसे इंजेक्शन, दवाइयाँ आदि खरीदते हैं, तो गलत दवाई आने पर आपको वो नुकसान पहुँचा सकती है। अगर आपके पास में पर्याप्त या समुचित बिल है तो आप उसका दावा कर सकते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है मानसिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा कैसे मित्रों? कि यदि हम कोई वस्तु लेकर आते हैं और यदि वह खराब होती है या सही से काम नहीं करती, तो हमें मानसिक रूप से भी परेशानी उठानी पड़ती है। तीसरा आता है सामाजिक सुरक्षा। चौथा है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा ऐसे कि पैसे का नुकसान होने से बचता है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु बिजली की दुकान से, जैसे एक प्रेस आपने खरीदी, आयरन, और यदि आपके पास उसका समुचित बिल है और वह आयरन मान लो कि कुछ काम करके कुछ समय बाद खराब हो जाती है, तो आप उसी वस्तु को, बिल है तो आप चेंज करवा सकते हैं, दूसरा पीस ले सकते हैं। और यदि दुकानदार ऐसा नहीं करता, वो दूसरा पीस नहीं देता, तो आप दावा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा। पांचवा इसमें मित्रों जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विकास में सहायक। तो राष्ट्रीय विकास में सहायक तो होगा ही, क्योंकि जब व्यक्ति सही से वस्तु का उपभोग करेगा तो सभी प्रकार की सुरक्षा, जैसे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा होती है, तो राष्ट्रीय विकास में बाधा नहीं आती। अब मित्रों बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु, सेवा आदि में सुरक्षा एवं संतुष्टि प्रदान करना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझाने की आवश्यकता है। अब मित्रों, तीसरा जो हम इसमें बिंदु पढ़ेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमारे संविधान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता को 6 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये आप चार्ट में देख सकते हैं 6 पॉइंट। पहला है उपभोक्ता शिक्षा,
इसके अंदर उपभोक्ता को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। आप देखते हैं, जब हम सिनेमा भी देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो वहाँ पर उपभोक्ता से संबंधित, उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित कई प्रकार के विज्ञापन और वृत्तचित्र हमें दिखाई देते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ता को जागरूक किया जाए कि किस प्रकार वह वस्तुओं का सही तरीके से उपभोग कर सकता है। दूसरा है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हमारा संविधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि वे वस्तुएं जो स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, उसे असुरक्षा करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है हमें ये 1986 का अधिनियम। मित्रों, तीसरा जो बिंदु है वह है चयन। तो उपभोक्ता को अर्थात हमें यह अधिकार है कि हम अपनी पसंद की कीमत पर वस्तु का चुनाव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मार्केट में एक ही वस्तु अलग अलग कीमत पर मिलती है, तो हमें कहीं से भी उस वस्तु को हम खरीद सकते हैं। इस पर किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वहाँ पर 100% हमारा अधिकार है कि हम कहाँ से खरीदें। चौथा पॉइंट है मित्रों, सूचना। पांचवा शिकायत है। तो आप 2 वर्ष तक शिकायत कर सकते हैं, 30 दिन में आपको अपील करनी होगी, और 3 माह में इसका जो निर्णय है वो कोर्ट के द्वारा ले लिया जाएगा, और इसमें आपको कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट है क्षतिपूर्ति। उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। और यदि, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है मित्रों, कि यदि उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है किसी वस्तु या कंपनी के खिलाफ, तो यदि वह शिकायत झूठी पाई जाती है तो उपभोक्ता को भी इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार मित्रों, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित लगभग सभी पूछे जाने वाले प्रश्न इस चार्ट में दे दिए गए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नहीं, अभी जाना नहीं है भाई, है ना? हाँ, तो अब मेरी बात भी सुन लो, है ना, कि एक तो देखो वीडियो पसंद आया तो भाई नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना, है ना। हाँ, और आगे आपको और नीचे लाल रंग में दिया गया है सब्सक्राइब, हाँ उसको भी दबा लो, और उसके पास में घंटे का निशान है उसको भी दबा लो, ताकि हमारी वीडियो की सूचना मिलती रहे आपको, है ना मित्रों, ये काम जरूर कर लेना। धन्यवाद। Thank you.